कि याददाश्त के पीछे साइंस किस तरीके से काम करती है, पहले पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि बुढ़ापे में भी अपने याददाश्त को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। और तीसरी पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज को याददाश्त याद कैसे रख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि तीन चीजों से आदमी याद रखता है किसी चीज को। पहला, हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी चीज को याद कैसे रखें। जी, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई काम सीख रहे हैं या फिर फ्रेशर हैं, तो हमारी याददाश्त की क्षमता बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हमारे रिजल्ट कैसे होंगे, हम कितने जल्दी किसी काम को सीख सकते हैं, किसी स्किल को कितने जल्दी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो याददाश्त की क्षमता हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली तौर पे डिस्कस करने वाले हैं कि याददाश्त के पीछे साइंस किस तरीके से काम करती है, पहले पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि बुढ़ापे में भी अपने याददाश्त को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। और तीसरी पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज को याददाश्त याद कैसे रख सकते हैं। यदि आप कुछ कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको याद कैसे रख सकते हैं, कोई काम सीख रहे हैं तो आप उसको याद कैसे रख सकते हैं, तीसरी पॉइंट पे हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक रीजन समझ लेते हैं कि याददाश्त के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि तीन चीजों से आदमी याद रखता है किसी चीज को। पहला, कि आंखों में दिमाग होना, आंखों में दिमाग होना, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं, कानों में दिमाग होना, ठीक है। तीसरी पॉइंट पे ये है कि मांसपेशियों में दिमाग होना, मसल्स में। मांसपेशियों में दिमाग होना, मसल्स में दिमाग होना, तीसरी पॉइंट पे ये। तो आंखों में दिमाग होने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमने देखा उसको याद करने की कोशिश करें। यदि वो याद होती है तो उसका ये मतलब है कि आंखों में दिमाग होना, यानी कि आंखों से जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने जाना, जो कुछ भी हमने पहचाना, जिस चीज को हमने ऑब्जर्व किया उसको हमने याद रखा, तो आंखों में दिमाग होने का मतलब ये है। कानों में दिमाग होना, यानी कि कानों में दिमाग होना, जो कुछ भी हमने सुना उसको यदि हम याद रखते हैं तो हम उसको हम कहते हैं कानों में दिमाग होना। मांसपेशियों में दिमाग होना, मांसपेशियों में दिमाग होने का मतलब यह है कि जिस चीज को हमने फील किया अपने बॉडी के थ्रू, यदि हम गर्म पानी में हाथ डाले तो वो गर्म लगा, ठंडा पानी में हाथ डाले तो ठंडा लगा, कोई स्विच चुभोया गया तो हमें फील हुआ, तो उसको कहते हैं बॉडी में, यानी कि मांसपेशियों में दिमाग होना। अब इसका रेशियो क्या होता है, 60% याददाश्त आंखों में दिमाग होने की वजह से होती है, यानी कि आंखों की वजह से देखी हुई चीज को आदमी 60% तक चांसेस है जो याद रख सकता है। कानों में दिमाग होना, 10% ऐसी चीजें हैं जो सुन करके याद रखा जा सकता है। मांसपेशियों में दिमाग होना, 30% ऐसी चीजें हैं जो फील करके याद किया जा सकता है, फील के थ्रू याद किया जा सकता है। 30% ऐसे चांसेस है जो फील करके याद किया जा सकता है। ये रहा साइंटिफिक रीजन याद के पीछे का, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुढ़ापे में अपने याददाश्त को ताजा कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं कि किस एज से लेकर के किस एज तक याद करने की क्षमता इंसान के पास रहती है। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज को याद कैसे करें। यदि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसको हम याद कैसे करें। ज्यादा नहीं करना है आपको, बस 5 से 10 मिनट सोने से पहले करना है। अब बात करते हैं कि बुढ़ापे में अपने याददाश्त को ताजा कैसे करेंगे। बुढ़ापे में बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिस बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से पूछेगा ना, अरे बाबा हमने तो आपको ये बोला था करने के लिए, आपने अभी तक किया ही नहीं। अरे बेटा, अरे क्या बताएं, उम्र आ चली है, समझ में नहीं रहता, याद नहीं रहता, ऐसा आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग के कहते हुए। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो साइंस कहती है ना कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। यदि एक 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, यदि एक 8 साल का बच्चा है और एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो जाहिर सी बात है कि 80 साल का बुजुर्ग जो है
उनका याददाश्त कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि 8 साल के बच्चे के पास याददाश्त याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। जैसे जैसे यंग जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पास याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रेस लाइफ नहीं होता, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए इनका माइंड फ्री रहता है। और फ्री माइंड और हेल्दी माइंड याद करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। बहुत जल्दी वो किसी चीज़ को याद कर लेता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, किसी डिसीजंस को पास कर लेता है। आप ऐसा देखे होंगे अपने सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, अपने घर के बच्चों को, यदि आप उनसे कुछ पूछेंगे कि बेटा तुमने ये सामान कहाँ रखी है, तो यदि आपके बातों को वो समझ पा रहे हैं तो वो बोलेंगे तो नहीं, बोलने के काबिल है तो बोल भी सकते हैं, यदि बोलने के काबिल नहीं है तो आपकी उंगली पकड़ करके उस सामान तक ले जाएंगे, क्योंकि उनकी याददाश्त की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, उनको याद है कि वो सामान हमने कहाँ रखी है। यदि आपके बातों को वो समझ पा रहे हैं कि आप उनसे पूछना क्या चाह रहे हैं, आप उनसे कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो आपको सामान तक लेकर के जाएंगे। तो साइंस कहती है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे मतलब इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो अब बात करते हैं कि किस एज से लेकर के किस एज तक याद करने की क्षमता इंसान के पास रहती है। तो साइंस का कहना है कि 8 साल से लेकर के 25 साल तक इंसान के पास जो है ना, वो याद करने की क्षमता स्ट्रांग रहती है। इसके बाद इंसान जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है, रिश्तों के दबाव बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं, उस वैसे वैसे दिमागी तनाव के वजह से वो याद करने की क्षमता जाने लगती है। तो 8 साल से लेकर के 25 साल तक याददाश्त करने की क्षमता इंसान के पास रहती है, याद करने की क्षमता इंसान के पास रहती है, याददाश्त उनका मजबूत होता है। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को याद कैसे करें। यदि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसको हम याद कैसे करें, उस चीज़ को समझते हैं। साइंटिफिक रीजंस भी बताएंगे आपको और साइंटिफिक मेथड भी बताएंगे कि याद कैसे करें। अब बात करते हैं किसी भी चीज़ को याद कैसे करें। तो कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप काम सीख रहे हैं, तो उसका सिंपल सा फंडा है, जो भी आपने बुक पढ़ा, जो भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया कॉपी में सॉल्व करने के बाद, उसे अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करें। हम तो कॉपी में सॉल्व कर पाते हैं, उसी मेथड से क्वेश्चन बना पाते हैं, लेकिन जब सेकेंड टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में बनाना पड़ता है तो हम उसको भूल जाते हैं कि मेथड कौन सा यूज किए रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं किए। हमको कॉपी में जहां तक आया वहां तक तो बना दिए, एग्जाम्पल देख देख करके बना दिया, या फिर टीचर्स ने बोर्ड पे बताया तो उसको देख करके हम बना दिए, कॉपी तक ही महदूद रख दिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ याद नहीं रहता है। तो आप जिस भी चीज को याद करना चाहते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, रिमाइंडर फिक्स रखिए अपने दिमाग में कि उस चीज को बार बार याद दिलाते रहिए। आप अपने लाइफ में अगर आप अपने पेरेंट्स का नंबर याद किए होंगे, भाई का नंबर याद किए होंगे, मम्मी का नंबर याद किए होंगे, किसी का भी नंबर याद किए होंगे, तो आपको एक बार में याद नहीं हुई होगी, आपको उसको याद करने के बाद, देखने के बाद बार बार याद करने की कोशिश करते होंगे, तब जाकर के वो आज तक आपको याद हुई होगी। और एक खास बात बता देते हैं कि जब वो याद हुई होगी नंबर ना, तो उस कॉपी पर लिखे हुए हैंडराइटिंग भी अभी तक आपको याद होगा कि किस हैंडराइटिंग में हमने लिखा था। तो जो हमने पहले पॉइंट में बात किया ना कि 60% चांसेस होता है आंखों में दिमाग के कारण याद होती है, तो उसको कहते हैं आंखों में दिमाग होना। वो आपको हैंडराइटिंग भी याद होंगे, वो कॉपी पे जिस हैंडराइटिंग में आपने लिखा था नंबर, जिस हैंडराइटिंग में आपने लिखा था वो हैंडराइटिंग भी याद होंगे आपको, उस कॉपी पे जिस हैंडराइटिंग में लिखा था। तो आंखों में दिमाग होने का मतलब आ गया ना यहां पे। तो यदि आप किसी चीज को याद कर रहे हैं तो एक बार उसको मत पढ़िए, आप उसको 2 दिन किसी भी सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो आप उसको एक सप्ताह में मतलब उसको पढ़ते जाइए, डेली जो आपका पार्ट है, जो आपका आगे का क्वेश्चन है बनाते जाइए, 2 घंटे उस क्वेश्चन को देते जाइए जो पीछे वाले हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन आपने बनाया है उस क्वेश्चन को 2 घंटे रोजाना आप पर डे देते जाइए। जब ऐसा देते जाएंगे ना तो आपका वो क्वेश्चन जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा ना तो आंसर खुद ब खुद सबकॉन्शियस माइंड आपको हैंड को देगा और आपका हैंड कॉपी पे और पेपर पे लिख पाएगा। इसी तरीका से है किसी भी स्किल्स को सीखने में। यदि आप किसी भी स्किल्स को सीख रहे हैं तो आप उस पहले पैटर्न को याद कीजिए कि किस पैटर्न से ये काम हो रहे हैं, उस पैटर्न को याद कीजिए, उस पैटर्न को देखिए, समझिए, और उसको सोने टाइम पे सोते वक्त बताया जाता है कि हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, उस टाइम यदि आप उस चीज को रिवाइज करते हैं ना
तो आपको याद करने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ सकती है, बहुत हद तक बढ़ क्या सकती है, आप याद कर सकते हैं यदि आप सोने टाइम में अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, रिमाइंडर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीज भी याद करना चाहते हैं आप अपने माइंड को रिमाइंड कराते रहिए, रिमाइंडर उसको देते रहिए कि ये चीजें ऐसे हैं, ये चीजें ऐसे हैं, ये चीजें ऐसे हैं। ज्यादा नहीं करना है आपको, बस 5 से 10 मिनट सोने से पहले करना है, पर डे करना है। एक रात में आपको कुछ नहीं हो सकता, एक रात में आपको कोई भी चीज याद नहीं कर सकते, पर डे करना है। रिमाइंडर आप अपने आप को देते रहिए, जब तक आप रिमाइंडर नहीं दीजिएगा किसी भी चीज को याद नहीं कर पाइएगा। तो याद करने का बेस्ट सोल्यूशन यह है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं आगे का सिलेबस पढ़ते जाइए, बट पीछे का जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं पहले उसको 2 घंटे टाइम देते जाइए। वो क्वेश्चन एक समय ऐसा आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, जब वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो आंसर आप खुद ब खुद उसका निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने के लाइफ के वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने 2 वीडियो एंड स्क्रीन पे लगाएंगे और 3 प्लेलिस्ट हम आई बटन पे लगाएंगे, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।